आज देख लो मारुति की गाड़ी 7,96,358, 7,96,000 मारुति की गाड़ी का चलना मतलब मामूली बात नहीं है। मारुति की ये गाड़ी है इको, इको गाड़ी है, 8 लाख चल चुकी है गाड़ी। कस्टमर से रिव्यू लेंगे, और ये मारुति की गाड़ी को यार जो लोग बदनाम करते हैं ना, अगर मारुति गाड़ी यार हल्की 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 हल्की, आज देख लो, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो खुद पहली बार देखा हूँ इतना 8 लाख चली हुई गाड़ी, कसम से आज तक 4.5-5 लाख से ऊपर नहीं देखा, पर हाँ 8 लाख चल जाएगी मारुति की गाड़ी ये मुझे पता नहीं थी। ये कस्टमर है, इनकी गाड़ी है इको, कौन सा मॉडल है, 2016 अप्रैल 2016 अप्रैल 2016 की गाड़ी है इको, और इनसे बात करते हैं। अपना क्या नाम है सर? पवन कुमार तिवारी। मोहन कुमार तिवारी। इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है मैं बता देता हूँ, अभी चेक इंजन लाइट एक आ रही है बस, और कुछ नहीं है गाड़ी के अंदर, गाड़ी थोड़ी सी दब रही है, बाकी सुबह की स्टार्टिंग कैसी है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। माइलेज कितना दे रही है अभी? माइलेज लगभग पेट्रोल पे 16-17 की है अच्छा और सीएनजी पे 23-24 के। अच्छा माइलेज अच्छा है। पिकअप में थोड़ा सा कमी आई है, चेक इंजन लाइट की वजह से आप स्पेशल आए हाँ हैं, हाँ इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम? और कोई नहीं प्रॉब्लम है। और ये जो 8.5 लाख करीब में ये जेनवन चली है, हाँ जेनुअन चलिए सर। कोई मीटर वीटर कुछ? मीटर बैक किया गया है, भले कितना, 2 लाख के आसपास किया गया बैक। 2 लाख किया गया बैक, हाँ जी तो जी फिर ये 9,96,000 हो जाएगा। हाँ 10 लाख के आसपास चलिए गाड़ी। तो क्या जरूरत पड़ी थी 2 लाख बैक करने की? वो उस समय जरूरत थी जब अच्छा नहीं थी तो। अच्छा अच्छा पर इतना ज्यादा चलना तो हम तो मुझे तो दिल को मेरे यकीन नहीं हो पा रहा सर। सर चलने की बात है, चलाने अच्छा की बात है, क्या इंजन विंजन हो चुका है को क्या? अभी कुछ नहीं है, हेड? कुछ भी नहीं हुआ है सर। अच्छा हेड और इंजन सील्ड है हाँ एकदम सील्ड है, पूरी आज तरह का तक? इंजन सील्ड है। क्या बात है, अभी तक इंजन सील्ड है और 9 लाख के करीब है, 8 लाख कुछ मेरे को मतलब दिल को ही नहीं पसंद आ रहा कि मैं इतना ज्यादा कैसे चल सकती है। मैंने लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ मारुति की गाड़ी, विदेशों की गाड़ी देखी यार कि इतनी चली हुई, लेकिन इंडिया में अपना वो भी इतना। सीएनजी की गाड़ी है। सीएनजी पे अभी भी चलती है? हाँ अभी सीएनजी। देख सकते हैं आप सीएनजी पे ही गाड़ी चल रही है, कहाँ गया ये देखो, देख रहे हो ना ये सीएनजी का, अभी भी सीएनजी पे ही है। चेक इंजन लाइट बस आ रही है गाड़ी के अंदर, कहाँ गया ये देखो, चेक इंजन लाइट देख रहे हो ना, खाली चेक इंजन लाइट आ रही है और कोई कहानी नहीं है इस गाड़ी के साथ में, बिल्कुल सेट है। तो सर एक बात बताओ यार, इतनी गाड़ी चल कैसे गई आप? सर टैक्सी चलती है, टैक्सी गाड़ी है। अच्छा ज्यादा हाईवे चलते हैं हाँ आप? टोटल हाईवे, टोटल दिल्ली जयपुर ज्यादा तो चलिए, शुरू से 2016 से लेकर के अच्छा 2021 तक टोटल जयपुर दिल्ली, जयपुर दिल्ली चलिए। अच्छा मतलब ज्यादा हाईवे हाँ चली है, ज्यादा हाईवे चलिए। तो आज तो इतना कंफर्म होता है कि सिटी में इंजनें खराब होती हैं, हाईवे पे इंजन की लॉन्ग लाइफ रहती है, इतना तो कंफर्म हुआ। हाँ हाईवे पे चल रही है मतलब इंजन की लॉन्ग लाइफ बढ़ेगी, क्या बात है सर। अच्छा सर ये सर्विस कहाँ से कराते हैं, कंपनी में या गैराज में? नहीं सर्विस तो शुरू में कंपनी से कराया सर, ठीक है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं रहा। क्या कैसा परफॉर्मेंस? तेल वगैरह की जैसे भी मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा। फिर अच्छा मेरे एक मित्र हैं जो इसका काम करते हैं, हाँ उन्होंने इसकी पूरी सर्विस की। अच्छा हाँ जी। और ऑयल वगैरह भी ठीक ठाक डालते हैं, कौन जो सा ऑयल यूज करते हैं आप? इंडियन ऑयल का और HP का 530। अच्छा 530 यूज करते हैं, हाँ फुल्ली सिंथेटिक? हाँ फुली सिंथेटिक। अच्छा फुल्ली सिंथेटिक यूज करते हैं। अच्छा ये कितने कितने दिन पर सर्विस कराते हैं? सर 10,000 के आसपास हम करा देते हैं। 10,000 कितने दिन में चल जाती है? अब तो ज्यादा दिन, पहले तो 15 दिन के अंदर अंदर कराना पड़ता था, अच्छा आपको इसीलिए तेल को मुझे लग रहा है गड़बड़ कर देते थे, तेल नहीं बदलते थे क्योंकि नया का नया दिखता होगा, तो 10-10 दिन में सर्विसिंग होगी तो कोई भी थोड़ा सा गड़बड़ कर ही देगा। चलिए अच्छा है, तो आप मतलब फुली सिंथेटिक हमेशा हाँ यूज करते फुली हैं, कूलेंट सिंथेटिक कौन सा यूज करते हैं? कूलेंट कैस्ट्रोल के। अच्छा कूलेंट में ऐसा तो नहीं है कि मतलब लापरवाही करते हैं, कूलेंट की जगह पानी पे ही चला नहीं दे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं कूलेंट था, आप कभी? कूलेंट हमेशा कूलेंट यूज किया। इसमें मेजर काम क्या क्या निकला है अभी तक? सर क्लच और टाइमिंग बेल्ट के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा सस्पेंशन का अभी काम थोड़ा बहुत हुआ है, आगे का बाकी कुछ नहीं हुआ। अच्छा सस्पेंशन, असल वो हाईवे पे ज्यादा काम नहीं निकलता है ना, तो क्लच कितनी बार हो चुका है? क्लच तो कम से कम 7-8 बार हुआ है, 7-8 बार? हाँ क्लच का तो। और और टाइमिंग मैंने 90,000 पे टाइमिंग बेल्ट चेंज करा रखी अच्छा है। टाइमिंग बेल्ट आप हाँ याद से कराते रहते हाँ हैं, जी जी यानी कि 9-8-9 बार तो टाइमिंग बेल्ट भी हो गया होगा, जी।
यानी टाइमिंग और क्लच प्लेट मुझे लग रहा काफी बार हुआ है, उसके अलावा और कुछ काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ। एक प्रॉब्लम और आ रही थी उसमें डिफरेंशियल में। हाँ, डिफरेंशियल में थोड़ी सी अभी आवाज है। तो ये आवाज कब से आ रही है डिफरेंशियल में? एक डेढ़ महीने से आ रही हल्की फुल्की आवाज है, उसको तो चेंज करना ही पड़ेगा, आज नहीं करेंगे कल करेंगे। आप सर ये बताइए, अब लास्ट क्वेश्चन है, मारुति से आप कितना खुश हैं? मारुति से तो खुश है, लेकिन इनके सर्विस सेंटर से मैं नहीं खुश हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया आपने बात कही, सही बात है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायतें रहती है सर्विस सेंटर को लेकर, पर गाड़ी से आप परफेक्ट हैं। हाँ, गाड़ी से मैं खुश हूँ, गाड़ी जबरदस्त। लोग कहते हैं यार मारुति की गाड़ी यार ये है वो है ना, डब्बा है ऐसे कमजोर है, ये फलाना ढिमका, बड़ी शिकायतें रहती है लोगों की। सर ये गाड़ी ऊंची है और हिलती भी है, गाड़ी पास से निकल जाओ हिलती है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो इसमें इंजन लगा हुआ है वो बेहतरीन इंजन है मारुति का। तो ये तो वही वाला इंजन है, स्टीम वाला इंजन है, मैं एक बार इंजन ही खोल के जो देख लेता हूँ ना, स्टीम का इंजन है, स्टीम वाला इंजन है। मैं इंजन एक बार कैसे खुलेगा इसका, अच्छा ये इधर से भी होगा, एक बार पलट लो ना, लोगों को देख ही ले, बस देखना जरा एक बार वो डाउन करो, अरे तेरी यार दोनों तरफ देखो भाई, ये इंजन है, ये देखो ये इंजन है कंपनी फिटेड सीएनजी। बैटरी कितनी बार बदली करा ली है? बैटरी तो चार पांच बार बदली हुई, चार पांच बार। अरे दे दिया यार, सच में यार मारुति की गाड़ी है, सुजुकी के ये वाला इंजन है भाई, ये देखो स्टीम वाला ही इंजन है, जो स्टीम में इंजन होते थे ना, और मारुति जैन में जो इंजन होते थे वो वाले इंजन है। और दोबारा से देख लो यार गाड़ी, यकीन ना हो तो 7,96,000, 2,00,000 बैक है, यानी 9,96,000। ये देखो चेक इंजन लाइट देख रहे हैं ना, वो बस चेक इंजन लाइट की प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी में। मैं तो यार सच में आज धन्य हो गया भाई। अब कोई कहेगा ना कि आपने कितना देखा है, तो मैं शान से बता सकता हूँ कि मैंने भाई देखा है 10,00,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी अपने हिंदुस्तान में। मेरे को बड़ा कहते थे कि कई लोग यार हिंदुस्तान में कहाँ गाड़ियाँ इतनी चल पाएंगी यार, हिंदुस्तान में तो 2-2 लाख में गाड़ियाँ खत्म हो जाती हैं। पर अब मुझे एहसास हो गया कि नहीं यार, हिंदुस्तान में भी गाड़ियाँ चल जाएंगी, सच में पहली बार देखा है यही रहा। और इस गाड़ी से रिलेटेड और क्या लोगों को कुछ सलाह मशवरा या फिर कुछ? हम ये कहेंगे कि मारुति की गाड़ियाँ या मारुति इको हो, ट्रस्टेड होना चाहिए, और ये कहीं भी जा सकती है, एक एक सूबी की तरह चलती है, ठीक, गड्ढे बारिश पानी पहाड़ों कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, सीएनजी होने के बावजूद भी कहीं भी चली जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस गाड़ी में। अच्छा, मारुति से क्या उम्मीद करते हैं कि क्या और अपडेट होना चाहिए? मारुति से सब अपडेट होना चाहिए कि इसमें कुछ सेफ्टी फीचर देनी चाहिए। अच्छा। सर इसकी 0 स्टार रेटिंग है। हाँ, ये सेफ्टी फीचर तो सेफ्टी फीचर इसमें है नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और इसमें झोल है। हाँ, जो गाड़ी इसके बगल से निकलती है ना, छोटी गाड़ी भी निकलेगी तो हिलती है। अच्छा, तो इस पे इसको काम करना चाहिए कंपनी को, थोड़ा सा जो इंजन तो बढ़िया इंजन से। हाँ, इंजन बेहतरीन है, इंजन बहुत ही बेहतरीन गाड़ी, इंजन से तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन खाली बॉडी में झोल है, सेफ्टी तो है ही नहीं। नहीं सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी देनी चाहिए थोड़ी सी बस। बस बस ठीक है, ये थे रिव्यू, और पता नहीं कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर दीजिए यार, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि डिसलाइक हमें सिखाता है, लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है, तो लाइक करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, डिसलाइक करेंगे तो हम उसको अपडेट करेंगे, सीखेंगे कुछ और कुछ बदलाव करेंगे, और अच्छा लग जाए तो शेयर मार दीजिए औरों को, ठीक है, कुछ तो कीजिए जरूर यार, अब आपके लिए हम कर रहे हैं तो हमारे लिए भी कुछ कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोनों भाइयों की तरफ से आप सभी को दिल से राम 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 राम।